आई रियली अप्रीशिएट कि पंजाबी पॉलीवुड ने गलबात का जो शो शुरू किया है बिकॉज आई थिंक इट जस्ट नॉट अबाउट द प्रमोटिंग द फिल्म इतने आके बल्कि होर भी इन्हों को बड़े राउंडस है जे अगे कहें प्ले करने वाले हैं थोड़े न किरदार सरदार फिल्म दे विच तुसी क्या भी मेरी पिछली फिल्म आई सी मैं सरदार का रोल प्ले किया उहदे च माड़ी गल है कोई जे मैनू प्यार है सरदारी नाल ते है यार एक्चुअली हो सकता शायद जिहड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने उन्होंने मेरे विच एक ऐसा करैक्टर दिखता है जो मेरी आवाज़ होगी या मेरा पर्सनैलिटी होगी जो उन्होंने रीप्रजेंट वधिया तरीके नाल स्क्रीन ते कर सके किरदार सरदार फिल्म विच मेरा करैक्टर जिहड़ा हैगा वह फतेह और फतेह एक अजकल का मुंडा जिमें साड़ी मंडीर होंगी है भी आप सेंदे सुंदे किसी की है नहीं ए खड़े हो जाने भी तू आ किमें करता वह किमें करता बट जदों फिल्म की स्टोरी अगे वधदी और मैनू रियलाइज़ होंदा है कि वाकई सिखिज़म की पावर की होंदी है और जो सानू सिखाया गया वो स्टैंड लेना चंगीआं चीज़ां दे उत्ते और सारे की हैल्प करना कितना इंपोर्टेंट आ तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होंदी है पर क्योंकि मैं बॉक्सर पहला तो सी तो हुण मैं सरदार बन चुके जिदा तुसीं ट्रेलर च देखिया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कितें ना कितें बॉक्सिंग आ के अड़ती है उन्हूं फिर मैं किवें कढ़दा इट्स ऑल अबाउट किरदारे सरदार मेरे डायरेक्टर साहब ने गल कही सी बिकॉज मैं भी उन्होंने यही गल पूछी सी और उन्होंने कहा कि जब पंजाब जब हिंदी फिल्म हिंदी फिल्मों च साडा पंजाबी गाने लै सकते हैं तो असी क्यों नहीं हिंदी गाना पंजाबी फिल्मों च लै सकते एक्चुअली मुंबई च मैनू जीतू जी मिले साडे डायरेक्टर ने जीतू जी और जसविंदर कौर साडी प्रोड्यूसर ने तो मैंने स्क्रिप्ट सुनाई मैं शुरू तो ही पंजाबी इंडस्ट्री च आना चाहती सी पर मैनू पता नहीं सी कि मैं स्टार्टिंग कितों करा बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी मैनू और बहुत कैरेक्टर मैनू इदा का लग्या कि मैं जिस कैरेक्टर च फिट होंदी सी ता बॉक्सिंग दे उत्ते मूवी है और गुरुआं दी धरती तो असी शूटिंग स्टार्ट कीती है ता मेरे डैड शुरू तो चाहते सी कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री च आवां और मैनू मौका मिलिया ता हुण 29th नू रिलीज़ हो रही है तो आई एम वेटिंग फॉर दैट नहीं ट्रेनिंग किसी तो नहीं लीती है पर मैं खुद ही आई एम अ सिख गर्ल मैं पंजाब तो ही बिलोंग करती हाँ वैसे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन दिल्ली 5 साल तो बॉम्बे च हाँ बट अपना कल्चर और अपनी बोली कभी नहीं छड़ी मैं ए देखो पता चल रहा है ना नहीं है इदा दी बहुत ही फनी और बहुत ही शरारती है नव बाजवा जी तो जो असी शूट कर रहे थे जो छोटा सॉन्ग साडा रिलीज़ होया है हुनी नूरा सिस्टर्स ने सॉन्ग गाया तो जो मेरा बहुत ही इंटेंस और सीरियस मैनू रहना सी बहुत थोड़ा जहा रोना थोड़ा जहा इमोशनल मैं सी और पिछे नव खड़ा मूँह बनाता रहता फनी फेसिस बनाते सो ही यूज टू डिस्ट्रैक्ट मी देखो हुनी भी कर रहा है यू कैन सी हिज फेस बहुत बहुत नव बाजवा बहुत शरारती है बहुत मजाकी है हाँ बहुत शरारती है नहीं बट इज़ अ वंडरफुल को एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगे इन्हों नाल काम करके ए देखो हाले भी मूँह बनाए जा रहे एक्शन करे जा रहे हैं हमेशा चालू रहेंगे सैट पर हमेशा बैटरी कहें पंजाबियों की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है तो नव बाजवा की बैटरी भी हमेशा चार्ज रहती है जंप करते रहते बंदर वागू इधर तो इधर नहीं मैनू बिल्कुल डर नहीं सी क्योंकि किरदारे सरदार फिल्म जिहड़े इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स और जिहड़ा ये मैं तुहानू दस रहा टॉपिक है पुष्पिंदर नाम दे एक पटियाले तो हैगे ने बॉक्सर उन्होंने ये केस भी किया सी कि मैं एक सरदार हाँ और मैं अच्छा फाइटर हाँ बट मैं बॉक्सिंग क्यों नहीं कर सकता सो मैनू ऐसा नहीं सी कि किते जाके रुकेगी प्यार तेरे नाल पाया चैन दिल दा गवाया ओ प्यार तेरे नाल पाया चैन दिल दा गवाया तू कर इकरार वे ना जींदे जी तू मार वे तू कर इकरार वे ना जींदे जी तू मार वे एना ता मैनू साहा नाल नहीं जिन्ना तेरे नाल प्यार वे 29 सितंबर नू किरदारे सरदार आन जा रही है मेरी पहली पंजाबी मूवी है और मैं चाहूँगी कि तुसी सारे देखन जाओ और मेरा वेलकम करो अच्छे नाल
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰੇ ਸਰਦਾਰ 29 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਥੀਏਟਰਸ ਔਨ 29 ਸਪਤੰਬਰ ਫੋਰ ਕਿਰਦਾਰੇ ਸਰਦਾਰ।